गाइज वेलकम बैक। सो बॉस देवरा इज अनस्टॉपेबल इन द तेलुगु वर्जन एज वेल एज हिंदी वर्जन। सब कुछ बताती हूँ आपको। आज देवरा का है डे नंबर 12। आज के दिन पर क्या होगा, कल क्या चलता रहा, अभी आने वाले टाइम में जो छुट्टियां आ रही हैं यानी कि दशहरा की छुट्टियां आ रही हैं, क्या उसमें देवरा फिर से एक जंप लेने वाली है। मतलब जो हमने पहले सोचा था कि कहाँ देवरा बैठ जाएगी, कहाँ उसको वो ऑडियंस नहीं मिलेगी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। साथ साथ में एनटीआर से रिलेटेड एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज है, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अब डे नंबर 11, क्या होता रहा कल के दिन पर, यानी कि मंडे आया था, एक ड्रॉप आना था, वो गंदा वाला मंडे जिसका हम बिल्कुल भी इंतजार नहीं करते हैं, वो ही दिन था कल। और कल के दिन पर भी फिल्म ने हमारे को सरप्राइज 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 ही किया है। यस गाइज, तो पहले मैं आपको सबसे पहले ऑक्यूपेंसी बताती हूँ कि कल की ऑक्यूपेंसीज कैसी रही। देखो कल डे नंबर 11 की तेलुगु 2D वर्जन की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शोज में कितनी थी, 18%, वेरी इंप्रेसिव। 18% की ऑक्यूपेंसी ऑन अ मंडे, ओके। आफ्टरनून शोज 25.7%, इवनिंग शोज 25.8%, नाइट शोज में भी नॉट अ सिंगल ड्रॉप, 25.3% की ऑक्यूपेंसी रही। कमाल हो गया कल तो। 25% पर एक सुपर स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर के चल रही है देवरा इन तेलुगु 2D वर्जन। अगर मैं आपको हिंदी बताती हूँ साथ साथ में, तो हिंदी में कल फ्लक्चुएशन सा रहा, क्योंकि कल हिंदी में बहुत सी चीजें हो रही थी। यू नो कि कल सिंघम का ट्रेलर आया था, तो हिंदी ऑडियंस काफी एक्साइटेड थी उसके बाद। सो मॉर्निंग शोज 6.7%, आफ्टरनून 10%, इवनिंग में फिर से ड्रॉप आया 8%, लेकिन नाइट शोज में फिर से एक जंप आया, 12.8% की ऑक्यूपेंसी रही। इसी के साथ साथ टोटल कलेक्शन कल के दिन की डे नंबर 11 की देवरा की थी 4.9 करोड़। कितना, 4.9 करोड़, ये अर्ली एस्टिमेट है। 61.26% का ड्रॉप जरूर है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी 5 करोड़ के आसपास की कलेक्शन देख करके खुश हूँ, क्योंकि ये भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी। सच बता रही हूँ, ये भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी। ऐसा लग रहा था एकदम धड़ाम से गिरेगी, क्योंकि अब जो टाइम है वो आ गया है और नई रिलीजेस का, अब और फिल्में आने वाली हैं। दशहरा का टाइम है, इसमें तो साउथ की भी आएगी, नॉर्थ की भी आएगी, सब जगह की, बहुत जगहों की मूवीज रिलीज हो रही हैं। तो इस टाइम पर फिल्में जो पहले से चल रही हैं उनमें ड्रॉप आना लाजमी है, भाई उनकी ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी, इधर उधर जाएगी और ऑप्शंस देखेगी। लेकिन भाई एनटीआर का यहाँ पर जो मतलब फैंडम है ना, उसको सलाम है, क्योंकि वो अभी भी झुकने को तैयार नहीं है, अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ टोटल इंडियन नेट कलेक्शन ऑफ देवरा एज ऑफ नाउ, एज ऑफ डे फॉर 11 डेज इज 248.65 करोड़, करीब करीब 250 करोड़ मान के चलो इंडिया नेट कलेक्शन हो चुकी है यहाँ पे। और अगर हम ग्रॉस वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, तो वो हमारे पास दिन में नंबर आएगा 11 दिनों का, कि वो कितना होता है। बट मेरे हिसाब से दिस इज कॉल्ड मैड लेवल, क्रेजी वाला नंबर, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं कहां हम पहले 250 करोड़ को लाइफ टाइम सोच रहे थे कि लाइफ टाइम रहेगा, बट देखने में ऐसा लग रहा है कि एनटीआर की ये जो फिल्म है ये रुकने नहीं वाली है। अभी दशहरा वाला जो फेस्टिवल का टाइम आएगा, छुट्टियां आएंगी, उसका भी बेनिफिट देवरा को मिलने वाला है। अब नेक्स्ट जो न्यूज है जो मैं आपको बता रही हूँ एनटीआर की, दैट एनटीआर इज ऑलरेडी गियरिंग अप फॉर वॉर 2 शूट। ऑलरेडी काफी चीजें तो हो ही रही हैं, जो मैंने आपको बताया था कि वॉर 2 की अपडेट्स चल रही हैं, कुछ ना कुछ होने वाला है वॉर 2 को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट शूट सीक्वेंसेस चल रहे हैं। आफ्टर दशहरा फेस्टिवल एनटीआर विल ज्वाइन द शूट ऑफ वॉर 2 फॉर एन 18-day schedule, 18 दिनों का एक schedule है जिसको NTR join करने वाले हैं after Dashera festival. So I think now as I say that NTR fans के लिए भी बहुत अच्छा time है, NTR के लिए भी बहुत अच्छा time है, क्योंकि वो finally वो जो recognition चाहिए था as a solo actor, as a solo performer, वो उनको मिलने जा रहा है after Devra. I think I am super duper happy with this news. बाकी आपका क्या reaction है, let me know in the comment section. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just for fun.